हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक और नए वीडियोज में। तो गाइज, मैं हूं सर्वेश और आज हम असेंबल करने वाले हैं 25 लीटर और 50 लीटर का प्लांट कैसे असेंबल किया जाता है, इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम 25 लीटर का प्लांट कैसे असेंबल करना है वो चीज बताएंगे। तो मान लीजिए ये आपका स्टैंड है, और यहाँ पे इस टाइप से बना रहता है, जो ये इस टाइप का ढक्कन रहता है। पहले ढक्कन में ये यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे एल्बो टाइट कर लेना है। देखिए, ध्यान रहे, तीन इस टाइप के बाउल लगते हैं 25 लीटर में, ये 10 इंची के। और पहले ढक्कन में ये इधर और इधर एल्बो टाइट कर लेना है। एल्बो आप PL8 वाले टाइट करना ताकि पानी का थोड़ा तेजी से जा सके, पहले टाइट कर लेना है। उसके बाद ये जो ढक्कन है उसको ऊपर उसमें टाइट कर देना है, जो स्टैंड रहता है स्टैंड पे ऐसे टाइट कर देंगे। टाइट कर देने के बाद ये तीन रहेंगे इस टाइप से, ये बाउल देखिए होता है, और इस टाइप के तीन बाउल रहेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे इन और आउट का निशान बना होता है, ऐसे तीर का निशान भी बना रहता है। अगर निशान नहीं बना है तो लिखा तो 100% होगा, एक चीज तो होती है, मतलब किधर से पानी आएगा और किधर निकलेगा। तो सीरीज वाइज आपको तीन बाउल टाइट कर देना है। टाइट कर देने के बाद आपको पहले इन वाले में पानी देना है, उसके बाद आउट वाले से निकलेगा, तब फिर से इन वाले में देना है, फिर से वहां से निकलेगा, फिर से आपको आउट वाले में देना है। उसके अंदर जो फिल्टर डालना है, तो दो फिल्टर में स्पन फिल्टर डाल देना है और एक फिल्टर एक में आपको CTO डाल देना है। तो ये आपने टाइट कर दिया और इसका कनेक्शन भी कर दिया, पहले इन में और फिर आउट में। मान लो यहाँ पे तीन बाउल होते हैं इस टाइप से, तो यहां से मान लो इन किया जाएगा पानी, अगर यहां से मान लो इन किया जाएगा तो यहां से निकलेगा, फिर से यहां से ये वाला इन रहेगा, यहाँ पे आउट होगा। तो इस हिसाब से घुमा के ढक्कन लगाना है कि इसका इन इधर रहे आउट इधर रहे, फिर यहां से निकलेगा पानी, फिर यहां से इन होगा, फिर यहां से आउट होगा। अब यहां से जब पानी निकलेगा, आपने तीनों टाइट कर दिया, उसके बाद जब यहां से पानी निकलेगा तब आपका एक SV लगा देना है, सोलेनोइड वाल्व ऊपर यहाँ पे जो स्टैंड पे बना रहता है फ्रंट पे, यहाँ पे SV में कनेक्शन दे देना है। SV से जब पानी निकलेगा, SV में पर कनेक्शन लेना है। SV आप कोई भी अच्छी क्वालिटी की लगाना है, ताकि कॉमर्शियल है तो 25 लीटर का 25 LPH का पानी देगा, तो SV आपको अच्छी लगाना है। SV से जब पानी निकलेगा तो आपका मोटर में जाएगा, यहाँ पे मोटर का कनेक्शन दे देना है, और इधर ही SV, ये सारी चीजें ऊपर जो फ्रंट का जगह रहता है उस पे सारी चीजें रखी जाती है। यहाँ से SV में पानी जाएगा, SV से निकलने के बाद मोटर के इन में जाएगा। ध्यान रहे, जो SV होता है उसमें भी इन और आउट के निशान बने रहते हैं, लिखा भी रहता है, वरना तीर के निशान तो बने रहते हैं। इन में देना है, यहां से निकलेगा इन में जाएगा, इन से जब आउट से पानी निकलेगा SV से, तब मोटर के इन में जाएगा। ध्यान रहे, मोटर के इन में निकलेगा, इन में जाएगा, इन से लेने के बाद मोटर जब प्रेशर से पानी देगा, और यहाँ पे अगर आपको पंप लगाना है तो 100 LPH के लगा रहे हैं तो आपको दो पंप लगाना पड़ेगा, और अगर 150 GPD का लगा रहे हैं तो एक ही पंप काम कर जाएगा। और एक पंप का कनेक्शन कैसे करना है, दो पंप का कनेक्शन कैसे करना है, मैं दोनों का बता देता हूं आपको। तो मान लो यहां पे पहले मैं एक पंप का कनेक्शन बता देता हूं। पहले मान लो यहां पे एक पंप लगा हुआ है, ठीक है, इस टाइप से होगा, यहां पे पंप लगा होगा, यहां से पानी लेगा और यहां से आउट करेगा। अब यहां से आउट करेगा और ये इस टाइप से बनी रहती हैं, जिसमें मेम्ब्रेन लगाया जाता है इस टाइप से, ये मेम्ब्रेन है मान लो, और एक ये मेम्ब्रेन है, दो मेम्ब्रेन लगती हैं। तो जब यहां से पानी यहां आउट होके आएगा तो यहां पे एक टी दे देना है, यहां पे एक टी दे देंगे,
याद है 150 LPH का लगा रहे हैं, तो यहाँ पे बड़ा वाला PL8 का पाइप होना चाहिए। यहाँ पे एक टी लेंगे तो ये पानी दो भागों में डिवाइड हो जाता है, यहाँ से टी, यहाँ से पानी लेगा और यहाँ से पानी निकलेगा, यहाँ से पानी निकलेगा। तो एक ये इधर दे देना है पाइप, एक ये इधर दे देना है, ठीक है। दो पाइप निकले, पंप का प्रेशर जो आया दोनों में डिवाइड होके बरोबर मेम्ब्रेन में पानी आ रहा है। अब यहां से दो पाइप निकलते हैं मेम्ब्रेन में, मेम्ब्रेन में दो पाइप निकलते हैं, एक रिजेक्ट होता है एक प्योर होता है। ये भी रिजेक्ट है, ये प्योर है। तो क्या करेंगे, ये रिजेक्ट वाला और ये रिजेक्ट वाला, यहां पे एक FR लगा देंगे, एक यहां पे FR लगा देंगे। अब यहां पे एक FR लग जाएगा, यहां पे एक FR लग जाएगा, तो यहां से पानी आएगा, यहां पे पानी आएगा, एक यहां पे T लगा देंगे, ठीक है। एक यहां पे TL को लगा देंगे, तो ये पानी दोनों आपस में मिल जाएगा और ये रिजेक्ट वाटर निकल जाएगा एक पाइप से, और ये पानी प्योर वाला और ये पानी, यहां पे एक टी लगा देंगे तो ये पानी और ये पानी दोनों आपस में मिल जाएगा और ये हमारा प्योर वाटर निकल आएगा। ये प्योर वाटर जब निकलेगा तो यहां पे एक और फिल्टर लगाया जाता है, कार्बन फिल्टर, ताकि पानी में जो गंध वगैरह थोड़ा बहुत आ भी जाती है तो वो दूर हो जाए। एक आप कार्बन फिल्टर लगा रहे हैं, कार्बन फिल्टर में पानी ये वाला जो आएगा वो इसको इधर दे देना है। अब यहां से ये प्योर वाटर निकलेगा, आप चाहिए तो एक यूवी फिल्टर भी लगा सकते हैं। यूवी अगर यूवी लगाना चाहते हैं तो जैसे डोमेस्टिक में यूवी का कनेक्शन दिया जाता है, वैसे यहाँ पे यूवी फिल्टर लग जाएगा। ये कार्बन है, यहाँ पे आप यूवी लगा सकते हैं, यहां से पानी इन यहां से जाएगा और यहां निकलेगा। अगर आप यूवी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, अगर यूवी लगाना ना चाहें तो मत लगाइए, लेकिन यूवी लगाए या ना लगाए वो तो अलग की बात हो गई। उसके बाद जब यहां से प्योर वाटर निकलेगा, अगर आप यूवी लगाते हैं तो ठीक है, नहीं लगाते हैं तो भी ठीक है, लेकिन लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं। लेकिन अगर आपको TDS कंट्रोलर लगाना है, TDS कंट्रोलर देखिए तो अब जरूरी हो गया है, सब लोग लगवाते हैं, तो TDS कंट्रोलर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप TDS कंट्रोलर लगा रहे हैं तो यहाँ TDS कंट्रोलर का कनेक्शन कहाँ से देना है, एक यहाँ पे टी लगाना है, यहीं पे लगा सकते हैं। जब पंप से देखिए यहाँ हो रहा है, आप यहीं पे एक और टी लगा सकते हैं, या फिर यहाँ पे, या फिर यहाँ पे कहीं पे भी एक टी लगा सकते हैं। मान लो मैं यहाँ पे टी लगा देता हूँ, एक यहाँ पे एक मैंने टी लगा दिया, और यहां से टी लगाने के बाद यहां से ये पाइप निकला इधर से, और ये यूवी के पहले, याद रहे यूवी और कार्बन फिल्टर के पहले ये यहां से पानी आया, प्योर वाटर ये आ रहा है, इसी पाइप में यहां पे एक टी लगा करके यहां पे ज्वाइन कर देना है। अब ये यहां से टी लगा देंगे, यहां टी लगा देंगे, यहां पे एक TDS कंट्रोलर लगा देंगे, कंट्रोलर जो वाल्व रहता है उसको यहाँ पे लगा देंगे। जैसे उसको यहाँ से जितना खोलेंगे उतना ज्यादा यहाँ पे TDS बढ़ जाएगा, ये प्योर वाटर यहाँ से TDS बढ़ जाएगा, जितना पूरा बंद करके रखें जो प्योर वाटर आ रहा है वही आएगा। अब यहाँ पे अगर चाहिए तो आप एक अच्छी क्वालिटी का कोई UF फिल्टर भी यहाँ पे, जो भी आपको एक्स्ट्रा फिल्टर एड करना है वो सब यहाँ पे एड किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ से पानी फिल्टर तो हो ही रहा है, सारा फिल्टर होकर पानी आ रहा है, बट आपके पानी में गंध वगैरह तो दूर हो गई, लेकिन अगर बैक्टीरिया वगैरह आ रहे हैं तो ये दूर कर देगा, आपके पानी में थोड़ा बहुत गंद भी रह गई तो ये कार्बन फिल्टर दूर कर देगा। यहाँ से जो मेम्ब्रेन आपकी हार्डनेस दूर कर रही थी, वो सिर्फ हार्डनेस यहाँ से दूर नहीं करती है, क्योंकि हार्डनेस यहाँ से बाईपास होके इधर आ रहा है पानी। तो इस टाइप से ये कनेक्शन रेडी हो जाता है, उसका ढक्कन लगा करके बंद कर देना है। लेकिन उससे पहले ये जब प्योर वाटर निकलेगा, अगर आप ये किसी वाटर कूलर में लगाना चाहते हैं तो वाटर कूलर में लगाने के बाद वो भर जाने के बाद ओवरफ्लो होने लगता है, और ऑटो कट का सिस्टम इसमें तो होता नहीं क्योंकि इसमें टैंक नहीं होता है। तो उसके लिए क्या करना है, मान लो यहाँ पे वाटर कूलर का टैंक है, ठीक है, इसमें इसको देना है,
लेकिन इससे पहले यहां से जब प्योर वाटर निकलेगा तो यहां पे आपको एक हाई प्रेशर स्विच लगाना है। एक देखिए एलपीएस होता है, जब पानी का प्रेशर लो होता है तब वो काम मशीन को नहीं करने देता है एलपीएस, और ये एचपीएस होता है वो लो प्रेशर स्विच होता है, ये हाई प्रेशर स्विच है। जब पानी का प्रेशर ज्यादा होगा तब ये मशीन को बंद कर देगा, मशीन को नहीं चलने देगा। पानी का प्रेशर कैसे ज्यादा होता है, देखिए जब एक वाटर कूलर में आता है, वाटर कूलर में एक वाल्व लगा होता है, यहाँ पे जब भर जाता है तो वाल्व ऊपर उठ जाता है, ऊपर उठ जाता है तो ये पानी को यहाँ पे अंदर नहीं जाने देता, पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है। तो जब यहां से ब्लॉक हो जाएगा और ये पानी यहां से दे रहा है कंटिन्यू, ये पानी यहां से कंटिन्यू दे रहा है तो यहां से यहां तक पानी का प्रेशर क्रिएट हो जाएगा क्योंकि यहां से पानी आ रहा है। जब पानी का प्रेशर क्रिएट होगा तो इसमें दो वायर लगे होते हैं, ये दो वायर कहां से आते हैं, ये इधर से आते हैं, ठीक है, ये दो वायर होते हैं, सीरीज में ही होते हैं। इलेक्ट्रिक कनेक्शन कैसे होता है, यहाँ पे मान लो अगर आप एक पंप लगा रहे हैं तो यहाँ पे एचएमपीएस एक होगा, एचएमपीएस ये एचएमपीएस होगा, यहां से दो वायर आ रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले ये दो वायर यहां पे चले जाएंगे, एक यहां पे गया मान लो प्लस है, ये माइनस है, ये इनपुट है 250 वोल्टेज, ये बोर्ड से आएगा 250 वोल्टेज मान लो, ये एसी है, ये डीसी है। तो यहां से ये देखिए वायर प्लस वाला आया, सबसे पहले यहां पे एचपीएस में गया है, अब यही वायर यहां से वापस आ रहा है ये वाला, और ये आपका यहाँ पे मोटर लगा हुआ है, तो मोटर में दो तार होते हैं प्लस माइनस, दो वायर निकलेंगे, तो एक वायर ये डायरेक्ट इधर मिल जाएगा इस वायर में, एक वायर ये इसमें मिल जाएगा, और जो दूसरा वायर होगा ये वाला ये इधर डायरेक्ट मिल जाएगा, और एसवी का जो वायर है यहाँ पे एक एसवी भी कनेक्ट होगा, एसवी मान लो तो यहाँ पे एक एसवी भी लगा हुआ है, अब एसवी से भी दो वायर निकलेंगे, तो जहां पे ये वायर कनेक्ट हुआ है ये यहीं से ये भी कनेक्ट हो जाएगा और यहां से ये कनेक्ट हो जाएगा। एसवी का और मोटर का कनेक्शन एक ही में कर देना है क्योंकि एसवी चलेगा तो मोटर चलेगा, मोटर चलेगा तो एसवी चलेगा, और कनेक्शन पानी का कैसे कनेक्शन करना है ये तो मैंने आपको बता ही दिया, ये मैंने वायरिंग का कनेक्शन बता दिया आपको किस टाइप से करना है। यहां से आएगा 250 वोल्टेज एसी और यहां से डीसी 24 वोल्टेज निकालेगा, और ये एक वायर आएगा सबसे पहले यहां पे जाएगा, वही वायर यहां से घूम करके आएगा, वो एक जैसे मान लो प्लस वाला है तो प्लस का एक एसवी का वायर लेना है, प्लस का एक पंप का वायर लेना है, दोनों कनेक्ट कर देना आपस में, और माइनस का डायरेक्ट लाना है यहां पे, एक पंप का और एक एसवी का, दोनों आपस में कनेक्ट कर देना है, दोनों चलने लगेंगे। तो कनेक्शन ये हो गया है, और अगर आप दो पंप लगाना चाहते हैं तो वो कैसे कनेक्शन करेंगे, ये इस टाइप से बना होगा, यहां पे मेम्ब्रेन है, यहां पे मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये मेम्ब्रेन लगी हुई है, ये मेम्ब्रेन लगी हुई है, यहां पे इन होगा, यहां पे आउट होता है, एक रिजेक्ट है, एक प्योर है, यहां पे पंप लगा हुआ है, यहां पे पंप लगा हुआ है, एक यहां पे पंप लगा हुआ है, और यहीं पे एक एसवी भी लगी हुई है, ठीक है। तो यहां पे पहले बाउल तीन लगे हुए हैं, नीचे लगते हैं मान लो, यहां पे मैं कनेक्शन कर देता हूं, यहां से बाउल का कनेक्शन हो गए हैं, तो यहां से पानी दिया गया, इधर निकला, इधर से इधर गया, इधर से इधर गया, फिर इधर से निकल करके ये पानी आ रहा है इधर। अब यहां पे एक टी लग जाएगा, टी लग जाएगा, और यहां पे टी लगने के बाद यहां पानी दो भागों में डिवाइड हो जाएगा, एक इसके इन में आ जाएगा, एक इसके इन में आ जाएगा।
अब यहां से आउट हो रहा है पानी तो ये सीधा डायरेक्ट इसमें आएगा। अब यहां से आउट हो रहा है ये सीधा डायरेक्ट इसमें आएगा। कहने का मतलब ये है कि यहां पे टी लग गया, एक इन इसमें आ जाएगा एक इन इसमें आ जाएगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पे टी लगाने से पहले आपको ये एसवी में देना है कनेक्शन। ये मैं दो पंप का बता रहा हूँ, जहां पे एसवी का कनेक्शन जैसे देना था वैसे देना है। मैंने पहले यहाँ पे बना दिया, पहले यहाँ से आएगा, पहले एसवी में देना है, एसवी के निकलेगा तब आपको टी लगाना है, तब उसके बाद आपको कनेक्शन दो भागों में डिवाइड होगा और दो भागों में डिवाइड होने के बाद दो आउटपुट निकलेंगे। दो आउटपुट निकलेंगे, एक इसमें देना है एक इसमें देना है, और यहाँ पे एक इसमें या फिर इसमें किसी में भी टीडीएस रजिस्टर जो मैंने कनेक्शन दिया था वो आपको कर देना है, यहाँ से या फिर यहाँ से। बाकी आगे का कनेक्शन मैंने बता ही दिया आपको, वो आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं कि टीडीएस कनेक्शन, टीडीएस कंट्रोल का कनेक्शन कैसे दिया गया था। अब जहां से प्योर निकलता है और यहां से प्योर निकलता है, ये दोनों आपस में टी कनेक्ट कर देना, ये रिजेक्ट निकलता है और ये रिजेक्ट निकलता है, ये आपस में कनेक्ट कर देना, यहाँ पे एक एफ आर लगा देना, यहाँ पे एफ आर लगा देना, तो ये दोनों आपस में टी लगा के आपस में कनेक्ट कर देना, ये रिजेक्ट निकल जाएगा, ये प्योर निकल जाएगा। अब यहाँ पे आपको अभी मैंने बताया कि आप कार्बन फिल्टर या फिर यूवी फिल्टर और ये दोनों फिल्टर लगा कर ये कनेक्शन कर देना है। यूवी चौक का कनेक्शन अगर आपको करना है, एसी का चौक का कनेक्शन करना है, तो जैसे एचएमबीएस का जहां पे पंप और एसवी का कनेक्शन किया जाता है वहीं पे कर देना है, और अगर आपको एसी का कनेक्शन करना है तो आपको इधर से कनेक्शन करना पड़ेगा, बट डीसी चौक ही लगाना चाहिए तो जो अच्छे से चलता है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है, इसमें कोई डाउट रह गया है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और बाकी कुछ भी और जानना चाहते हैं तो कुछ भी कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। और अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपको इसके बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए होगा या स्पेयर पार्ट्स आपको चाहिए होगा तो होलसेल में या फिर किसी भी तरह से, तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं अवेलेबल करा दूंगा। अगर आप असेंबलिंग का काम सीखना चाहते हैं या फिर आप अपने एरिया में करना चाहते हैं तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट करिए, मैं उसके लिए हेल्प करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।